वेलकम बैक दोस्तों जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, एकदम से फिट होंगे। तो गाइज अभी मिनी जू के अंदर आ गए हैं और काफ़ी चहल पहल है। दरअसल मैं अभी से एक घंटे पहले भी आया था, इनको फूड वगैरह देकर गया था सभी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट फूड जो है मैंने इनको दिया आज गोल्डन फिंच को, ताकि अपने बच्चों को खिला सकें अच्छे से, बेहतर तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें आज सब्जियाँ वगैरह कुछ एग्स वगैरह मिलाए हैं और कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं ताकि इनके बच्चों को बेनिफिट दे सकें। और देखिए बच्चे जो हैं कितने ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो देखिए है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। और गाइस ये दोनों जो है बहुत ही प्यारे हैं सच में आप लोगों के सामने। तो जी सभी को सॉफ्ट फूड दिया है, इन्हें भी दिया है, इन्हें भी दिया है, इन्हें भी सभी को दे दिया है। और गाइस कल की वीडियो को लेके आप लोगों की बहुत ज़्यादा सम्पेथी आई मेरे लिए, हमदर्दी, और हमारे मिनी जू, हमारे पैट्सों के लिए भी। साथ ही बहुत भाई कमेंट ये भी थी कि भाई जो होना था वो हो गया, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, मूड ख़राब ना करें, मूड ऑफ ना करें अपना। और ये तो एक दुनिया का रिवाज है, आना जाना लगा रहता है। आप अपने बाकी पैट्स पर ध्यान दें, इनका ख्याल रखें और इनको जितना हो सके टेक केयर दें, जो हो गया सो हो गया। आप लोगों की बस यही जो हो हौसला अफजाई है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि संजीवन का काम करती है। जैसे कि मान लो एक ऐसी पावर आ जाती है कि फिर से अच्छे से वर्क करने के लिए मन करता है। और बहुत भाइयों को दुख है इस चीज़ का कि भाई आपके जो कबूतर चले गए हैं दो, उनका बहुत ज़्यादा वो लोग शौक है, दुख मतलब कर रहे हैं प्रकट अपनी हमारी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो खैर भाइयों, आप लोगों का दिल से सपोर्ट है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। बस यही सपोर्ट कर बनाए रखिए और आने वाले टाइम में नई नई अपडेट, नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ आज, क्योंकि बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई आपने ना अपने उस वाले पिजन की अपडेट नहीं दिए जो जिसकी कबूतरों ने वहाँ मरकर पिटाई की थी, वो कहाँ है कैसे है। अब मैं वो दिखाता हूँ आपको वो कहाँ पर है। तो गाइस वो देखिए यहाँ पर है और अभी भी हॉस्पिटल केज में इसको हमने रखा हुआ है। बाकी मैं कहूँ तो अभी तक इसकी जो है आँखें खुली नहीं है और मैं ट्रीटमेंट इसका रेगुलर दे रहा हूँ, मगर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है पहले से। और वैसे खड़ा है, पैरों पर चल फिर रहा है, कोई बात नहीं, बट इधर आना बेटा यार, ये देखो गाइस इसकी एक आँख ही केवल हल्की सी खुली हुई है, बाकी सारी आँखें जो हैं इसकी बिल्कुल बंद है। और गाइस अभी तक भी दाना वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा है। देखिए मैंने इसको पहले दाना वहाँ दिया था, वहाँ पर भी पड़ा हुआ था टोकरी के अंदर, वो नहीं खाया। अब मैंने नीचे भी रखा है तो नीचे भी नहीं खाता है बेचारे की आँखें नहीं खुली, तो दाना खाएगा कैसे। अब हम धीरे धीरे करके एक कोशिश करेंगे कि इसकी आँखों ही खोलने की कोशिश करेंगे, वरना कभी ऐसा ना हो इसको वीकनेस ज़्यादा आ जाए और ये बिल्कुल बैठ जाए। गाइस अभी तो खैर वीकनेस नहीं आएगी, बताता हूँ क्या हो रखा है। गाइस हम लोग ना इसको मल्टी विटामिन दे रहे हैं और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जिसकी वजह से इसको इतनी महसूस नहीं होगी अगर ये दाना नहीं खाएगा। बाकी खाली पेट तो खाली पेट ही होता है कबूतर, मैं समझ सकता हूँ, मगर आप कर भी कह सकते हैं फिलहाल जब तक इसकी आँखें नहीं खुलेंगी, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक ये कुछ खाएगा नहीं। कुछ बेहतर आइडिया आप लोगों के पास हो तो आप बताइए कि इसको हम मतलब इसकी भूख भी पूरी हो सके और ये दाना भी इसके पेट में जा सके, कुछ तरीका बताइएगा आप सब क्या खिलाएं ऐसा, ठीक है। क्योंकि अभी एकदम से जब दाना भी खिलाते हैं तो भी इसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि गाइस काफ़ी दिन से भूखा है, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, शायद हफ्ता भर भी हो सकता है, तो बस दवाइयों पर चल रहा है। बाकी देखिए मैं दिखाऊँ एक्टिविटी पूरी है, जी देखिए बेटा, हेलो हेलो, ये देखिए गाइस एक्टिविटी तो पूरी है पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, उम्मीद कीजिएगा, सॉरी दुआ कीजिएगा, उम्मीद करूँगा कि जल्दी ही ठीक हो, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं। तो आज सारी जो है फिंचेस लगी हुई हैं सॉफ्ट फूड खाने में, वो देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो सॉफ्ट फूड मैंने आज इनको बना के दिया है, बड़े मन से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छा सॉफ्ट फूड बनाया है और सब बड़े ही चाव से खा रही हैं, और जावा स्पेशली बहुत चाव से इसको खा रही हैं, बहुत अच्छे से खा रही हैं जावा इसको। अच्छा गाइस दूसरी बात ये है कि रात हवा इतनी ज़्यादा चली है कि हमारी जो ये शॉपर है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, देखिए उस साइड से कोने से खुल गया है और इधर की साइड का शॉपर भी काफ़ी ज़्यादा खुल गया है, तो हवा ने बहुत ज़्यादा तरीके से इनको रात में लगता है परेशान किया है। बट मैं कहूँगा हवा भले ही चल रही है मगर मौसम फिर भी ठीक ठाक है, गर्मी इतनी सर्दी नहीं है, ठंड नहीं है, नॉर्मल डेवलपमेंट है। और बाकी अभी तो धूप निकली हुई है तो 3 की जो हीट है वो इनको प्रॉपर मिल रही है, तो परिंदे काफ़ी हमारे मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मैंने डायमंड डव जो इसमें थी गाइस उनको मैंने निकाल दिया है यहाँ से, उनको रिलीज कर दिया है। तो ये देखिए ऊपर बैठी हुई है, मैंने कहा चलो अब तुम भी आज़ाद हो जाओगी, तुम्हारा जो अंडा है वो फर्टाइल नहीं हो रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया। अब जल्दी ही आज या कल में मैंने एक केज ऑर्डर कर देना है, जो कि यहाँ पर इतना बड़ा केज आएगा उसको हम लगाएंगे, एक नहीं दो करेंगे हम, जिसमें हम लोग कॉलोनी बनाएंगे जेवरा फिंच की, जैसा मैंने आपको बताया था जितनी भी जेवरा फिंच हमारी बाहर है वो सभी एक कॉलोनी में आ जाएंगी
और एक केज हम मंगाने वाले हैं अपने कोको के लिए गाइस। वो देखिए हमारा कोको नीचे बैठा हुआ है। हमें सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई इसके लिए डंडी लगा दीजिए आप, कोको को डंडी नहीं है ताकि इस पर बैठ सके, तो डंडी इसमें लगा दी गई है स्टिक। मतलब अब कोको के लिए बड़ा केज मंगा रहे हैं, उसकी फीमेल आएगी ताकि ये दोनों अच्छे से ठीक से उस केज के अंदर रह सकें, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा जल्दी केज आ जाएगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उस केज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे जस्ट इस वाले केज के नीचे, जो कि यहाँ आ जाएगा ना आराम से। और हमारे लकी पिजन के बेबीज, मतलब कि पेंटेल पिजन के बेबीज भी काफ़ी सेल्फ फीड हो गए हैं। देखिए अपने आप दाना खाना खाने लगे हैं। तो गाइस एक सांप तो यहाँ पर खाना खा रहे हैं हमारे शहजादे, और एक शहजादे हमारे वहाँ बैठे हुए हैं आराम से नींद पूरी कर रहे हैं। सारी रात हवा ने सोने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा शोर हुआ था, इसलिए ये नींद पूरी कर रहे हैं अपनी, है ना। और बॉब जी तुम्हारा भी इस बार करना है कुछ ना कुछ ज़रूर। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने आईडी दिए हैं, कमेंट आई है तुम्हारे लिए, बट सभी ने ये कहा है कि बॉब को कहीं जाने ना दे, भले ही वो उसके फर्टाइल हो नहीं है या नहीं हो, मगर बॉब को हम लोग चाहते हैं ना जाने दें, क्योंकि बॉब से बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर्स प्यार करते हैं हमारे और बहुत बॉब को चाहते हैं। तो बॉब जो है आपके सामने है, कहीं नहीं जाएगा, हम इसको नहीं देंगे किसी को भी, ठीक है। ये ठीक हो या ना हो बात की है, बॉब वाकई बहुत क्यूट है। तो जी अब चलते हैं अपने पिजन सेटअप की तरफ, देखते हैं कबूतरों का क्या हालचाल है। वैसे मैंने कबूतरों को खोल दिया है, उनको डाइट वगैरह भी दे दी है, मगर अभी ओपन है, सभी दाना वाना खा रहे हैं अच्छे तरीके से, अपने बच्चों को ले अपने जो पेट है उसको अच्छे तरीके से भरने हैं ताकि उनके बच्चों को दाना वाना अच्छे से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, दाना खा लिया होगा फिर जाके जाल खोलेंगे ताकि वो अपने बच्चों को जाके फिर दे सके, और आपको मिलते हैं पिजन सेटअप पर, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने पिजन सेटअप पर, और वो देखिए बंदरों ने क्या करके रखा है। ये जो पिंजरा था मैंने ना यहाँ रखा हुआ था, और ये यहाँ से उठाकर इसको वहाँ ले आकर फेंक गए। और अभी मैं जब आया था तो ये सारे कबूतर ना हमारे वहाँ बैठे हुए थे, और देखिए कुछ उड़ भी रहे हैं, वो उड़ रहे हैं सामने। ये सब बंदरों का ही खौफ है, जस्ट वो भी आए, उन्होंने आके ऐसा कुछ कर दिया कि पिंजरा यहाँ फेंक गए, और उन्होंने कोशिश की होगी जाल को खोलने की भी। अच्छा है मैंने जाल को बंद करके रखा था, तो वरना इस कबूतर इस पेटी में यहाँ जितने अंडे रखे हैं इस जाल में वो खा लेते, इस पेटी के अंडे खा लेते, और बाकी जो इनकी टोकरी में रखे हैं वो अंडे भी खा लेते। ये बड़ा अच्छा रहा, बेहतर हुआ कि मैंने सेफ्टी बरती पूरी और अपने कबूतरों के अंडे वगैरह को बचा लिया, बच्चों को भी बचा लिया, वरना बंदरों ने आप जानते हैं कितना नुकसान किया था हमारा बहुत ज़्यादा पिछली बार। और गाइज बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रखे हैं जी इस वाले पेड़ को लेके, जो जोड़ा चुक रहा है हमारा, मैं दिखाता हूँ दाना, ये वाला जो जोड़ा है इसको लेके बहुत कमेंट आई है भाई आप सभी लोगों की। दरअसल मैं आपको बताता हूँ गाइज हुआ क्या था, पहले मैं दिखा दूँ आपको पेड़, देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे वो, है ना। तो गाइस दरअसल हुआ क्या था कि मैंने ना कल परसों में बोल दिया था वीडियो में कि अब जब जो भी हमारे कबूतर जाने वाले हैं ना, उन सभी कबूतरों में ये जो कबूतर है हमारे स्पेशल, ये दो ठीक है, ये वाले ये भी चले जाएंगे, और इनको भी हम दे देंगे, क्योंकि ये ना लड़ाक ज़्यादा हैं, ये मारते हैं नए कबूतरों को, तो कहीं नेक्स्ट टाइम हम कोई नया कबूतर लाएँ और ये दोनों उसको ही मारे, बड़ा ख़राब हो जाएगा, वो अच्छा फील नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा ये कि इसको हटा देंगे। तो भाई इतनी सारी कमेंट्स आई आप सभी लोगों की, इतनी सारी कमेंट्स आई कि भाई इतना अच्छा पेयर है आप इसे ना हटाएं, इसको थोड़ा ठीक है ये किसी को मारता है ठीक है अलग बंद कर दिया करें, और ये बहुत प्यारा है इसको ना हटाएं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा पेयर है हमारा, क्योंकि ये ना गाइस पेयर लगाया था कोकी में लास्ट ईयर तकरीबन जुलाई नहीं अगस्त सितंबर की बात है, हो सकता है अक्टूबर की बात हो, ये कोकी ने लगाया था पेयर अपने आप से। और इसमें उसने कोकी ने क्या किया था, उन्होंने वो फीमेल जो आगे बैठी है वो फीमेल चुनी थी और पीछे वो मेल चुना था, इन दोनों को मिलाकर ये पेड़ लगाया था। तो फिर जब ये पेड़ बना था बड़ा ही खूबसूरत बना था, इनका एक ही बच्चा हमारे पास निकल पाया है, वो बच्चा मैं दिखाता हूँ कौन सा है, किधर है भाई, वो बच्चा भी बिल्कुल सेम इनके जैसा ही है, बच्चे कहाँ है, बंदरों ने भगा तो नहीं दिया उसको भी यार, हाँ नहीं नहीं है इधर है गाइज, वो देखिए वो दाना खा रहा है उधर, ये आ रहा है इधर साइड में, ये जो बच्चा है पीछे लाल वाले कबूतर के पीले पीछे, पीले कबूतर के पीछे ये बच्चा वो है। तो इसको जी तो एक ही बच्चा निकलवा पाया था अभी तक हमारे यहाँ पर। तो अभी फाइनली मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने मन बना लिया है कि हम इसे नहीं देंगे, इसको मुड़ के रखेंगे और कोशिश करेंगे आज या कल भी ना इसको हम यहाँ से ले जाकर इस वाले पेयर को नीचे शिफ्ट कर दें अपने मिनी जू के अंदर। तो ये जो है क्या है कि हमारे मिनी जू में रहेगा नीचे, तो मिनी जू में नीचे रहेगा तो किसी को मार नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के कबूतर क्या है बहुत ही ज़्यादा ओपन है, अलग अलग तरह के घर हैं, तो वहाँ भी अपना कोई घर जाकर चूज़ कर लेगा नीचे, वहीं रह लेगा उनके साथ ही। फाइनली यहाँ के कबूतरों की आफत जो है बच जाएगी। तो हाँ भाई अब मैं इनसे बात कर लेता हूँ,
तो हाँ भी दोस्तों, अब तुम्हारे लिए हमने सोच लिया है कि तुम जाओगे नहीं, सभी सब्सक्राइबर्स की अपील पर सभी ने एप्लीकेशन लगाई है, सभी ने कमेंट्स में बोला है, विज्ञापन दिया है कि प्लीज़ इनको ना हटाएं, तो आपको हटाना नहीं वाले हैं हम, सभी की बात मानी ही है। इस बार तुम्हें सब्सक्राइबर्स ने बचा लिया है, अगर नेक्स्ट टाइम तुम दोनों ने कुछ शरारत की ना तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा, ठीक है। तो बस अब तुम समझ जाओ दोनों और ठीक से रह लो, वरना पक्का नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें हटा दूंगा। बट फाइनली अभी तुम लोगों को हम लोग मिनी जू में शिफ्ट कर देंगे आज या कल में ही, ठीक है, वो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और वहाँ मिनी जू में जाकर तुमने अगर कुछ भी किया तो सोच लेना, मैं तुम्हें अल्टीमेटम वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ भी समझ लो, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बाकी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलो तुम लोग दोनों मिलकर के कि उन्होंने तुम्हें रोका है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, वो थैंक यू बोलने के लिए अभी रात घूमेगा तो समझ लीजिए थैंक यू बोल रहा है, घूम भाई राउंड करके दिखा दे बराबर, वो देखिए गाइस घूम रहा है चाहो तो उसका मतलब ये है कि वो थैंक यू बोल रहा है आपको, इसका थैंक यू एक्सेप्ट करें, सॉरी एक्सेप्ट करें आप थैंक यू उसका। और अब इन दोनों को आप प्यारा सा नाम भी दे दें, आज तक इनका हमने कोई नाम नहीं रखा है, और जिनका जो नाम है प्यारा सा दे दीजिए, वो फीमेल है जो रेड वाली है और लास्ट में जो है वो मेल है ना, इन दोनों का नाम आप दे दीजिए गाइस, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, आप देंगे तो हमें अच्छा लगेगा काफ़ी। तो फिर गाइस इन दोनों को हम रोकने वाले, इनको नहीं भेजेंगे कहीं भी, और जाने वाले कबूतर जो होंगे सैटरडे या फिर संडे में चले जाएंगे और छत पर काफ़ी कम कबूतर हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये जाल भी यहाँ से सेट करना है, मतलब ये जो जाल है ना हमारा कबूतरों का, ये जाल भी हमें यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ धूप काफ़ी आने लगी है तो जाल को हम हटाकर सेट करेंगे, इस वाले साइड में लगा देंगे जाल को, ठीक है, पूरा बड़ा करके यहाँ लगा देंगे ताकि हमारे जो कबूतर हैं यहाँ धूप से बच सकें। अब क्या होता है, धूप सीधी पड़ती है डायरेक्टली गाइस वहाँ से, और धूप से होता क्या है कि हमारे बच्चे हाँफते हैं, कबूतर हमारे परेशान होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब इस बार हम यहाँ से जाल भी हटा देंगे। तो खैर दोस्तों, आज के वीडियो में सोचता हूँ यहीं पर आपको इतना ही दिखाऊँ, क्योंकि वजह क्या है, मुझे आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो रखा है, मुझे कहीं जाना भी है, आज मैं जाने वाला हूँ मेरठ दरअसल, तो मेरठ में एक छोटा सा काम है मुझे, छोटा भी है बड़ा भी है दोनों ही बात है, वो काम करके मैं आऊँगा। तो फिर आज की वीडियो में यही ओवर करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे खूब सारी बातें करेंगे, जल्दी लाइव भी आऊँगा। तो फिर ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का, अपने पेट्स का, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।